हेलो हाय एवरीवन। देखिए अपन का नेक्स्ट टॉपिक है जनरली जो अपन इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट इन एनिमल टुवर्ड द पीएच। दूसरा उसके बाद में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस होती है सोइल के अंदर। उसके थर्ड अपन की टॉपिक की हेडिंग थी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अपन को देखो हेडिंग के फोर्थ नंबर अपन कह सकते हैं टूथली के, कि हमारे माउथ के अंदर बेसिकली पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जनरली हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि हमारे माउथ की जो इन्वायरमेंट होता है वो आइडियल होता है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। रीज़न क्या होता है कि हमारे माउथ जनरली क्लोज रहता है जिसके कारण ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहती है, और हम माउथ क्लोज होने के कारण लाइट भी कम जाती है, और हमारे माउथ के अंदर सेलाइवा के कारण मॉइस्चर होता है। तो कम लाइट होना, कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना और सेलाइवा होना, ये आइडियल कंडीशन मानी जाती है किसी भी बैक्टीरिया की ग्रो करने के लिए। जब भी अपन कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ खाने के पीसीज हमारे माउथ के अंदर स्टिक हो जाते हैं, हम रह जाते हैं, जिन्हों के ऊपर बैक्टीरिया बेसिकली फीड करते हैं, उनसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं। हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से अपने फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डाइजेस्ट करने का मतलब तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन के अंदर उनके बाय प्रोडक्ट के अंदर एसिड निकलता है, और यही एसिड हमारे माउथ के अंदर सीक्रेट होता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी इन्वायरमेंट या किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन एसिड डालेंगे तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अपन की माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमारे टूथ डिके स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके किसे कहते हैं, टूथ डिके का मतलब ये होता है हमारे देखो माउथ की हमारे टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। जो हमारे बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर तो है ही, मगर एनिमल किंगडम के अंदर भी ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे बोन से भी हार्ड अपन ऐसा समझ सकते हैं। और देखो ये क्या होता है, जैसे ही अपन के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, और यही एसिड हमारे एनिमल के ऊपर एक्ट करता है जिसके कारण हमारे एनिमल वीक हो जाता है या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। कब हमारे एनिमल की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी या उसके अंदर वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाए। तो टूथ डिके किसे कहते हैं, कि बैक्टीरियल एक्शन के कारण हमारे माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस हो जो बेसिकली हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम कर दे, जिसके कारण हमारे एनिमल की डिस्ट्रॉइंग या उसकी वीकनेस स्टार्ट हो जाए। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, टूथ डिके कहते हैं। एनेमल बेसिकली किसका बना होता है, एनेमल जनरली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, सब्सटेंस का बना होता है, या आप ये कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, जो एक कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्म है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जनरली कंबाइन होकर हमारे एनेमल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या अपन ये भी कह सकते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट या दैट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट। मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे दांत या हमारी हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। तो कैल्शियम की तो बनी हुई होती है हमारे टीथ, मगर कैल्शियम के साथ कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से अपन क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, या अपन ये भी कह सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हैं। तो अभी देखो टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है अपन को उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो अपन एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करवाकर। तो इस वजह से रिकमांड किया जाता है कि आफ्टर एवरी विल यू नीड टू हैव टू डू द एनी बेसिक वॉश योर माउथ विद द बेसिक सॉल्यूशन, कि आप खाना खाने के बाद में आपको अपने माउथ को बेसिक सॉल्यूशन के साथ क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो अपन ने पीछे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि बेसिक बेसिकली एसिड के साथ रिएक्ट कर क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, जो हमारी एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अपन को खाना खाने के बाद में किसी बेसिक सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टूथ डिके। तो इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम टूथपेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर होती है, या बेसिक सॉल्यूशंस आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद में टॉपिक है केमिकल वॉरफेयर। तो ये भी अपन के इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की ही हेडिंग के अंदर टॉपिक है, मतलब ये फोर्थ हेडिंग है, ये फिफ्थ हेडिंग है, कि बेसिकली पीएच कैसे हेल्प करता है एज ए केमिकल की तरह किसी एनिमल या प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो जब भी अपन को कोई इंसेक्ट वगैरह काटते हैं तो अपन की रेडनेस वगैरह हो जाती है, जैसे हनी भी अपन को काटती है, अगर आपको कभी काटा होगा तो उस कंडीशन के अंदर आपकी देखो वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी, अपन को बहुत ज़्यादा इरीटेट भी और पेन भी महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, जब अपन को हनी भी अपना स्टंग काटती है हमारे को, तो उस कंडीशन के अंदर जनरली क्या होता है कि वो
कुछ एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हनी बी के अंदर, ये अपन का टॉपिक है, इसी वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे। जनरली मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो वो स्वेलिंग, इरिटेशन या पेन का क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इससे बेसिकली क्या मिलती है, हनी बी को प्रोटेक्शन मिलती है। तो यही रीजन तो होता है अपन कभी भी हनी बी के आसपास के अंदर नहीं जाते, क्योंकि हमें पता होता है कि इन द केस अगर हनी बी ने हमारे को काट लिया तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और अभी जाहिर सी बात है, देखो हनी बी ने काटा तो उस कंडीशन के अंदर उसने क्या किया, कुछ एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। अब उसको ट्रीट करने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है कुछ बेस यूज करेंगे। तो जब भी अपन को हनी बी काटती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिकली सॉल्यूशन ऐसे यूज करते हैं जो बेसिक नेचर के हो। या तो अपन बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं जो बेसिक नेचर का है। उसके अलावा या तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपन को घर के अंदर हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि किसी मेटल के चीज़ को आप वहीं पर रब कर दो जहाँ पर आपको हनी बी ने काटा है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखो हमने पीछे अपन ने ये पढ़ा है कि बेसिकली मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। और हनी बी ने जो अपन के अंदर जहर डाला है वो बेसिकली एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो अभी एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस न्यूट्रलाइज करता है। इसी कारण अपन मेटल को रब करते हैं। मेटल को रब क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल बेसिकली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जिसके कारण वो एसिडिटी को या उसी के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और देखो एक और अपन का एग्जाम्पल दिया हुआ, ये तो बेसिकली क्या हो गया कि इंसेक्ट बेसिकली यूज करते हैं किसी एसिड को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अनवांटेड सब्सटेंस से। मतलब अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे इंसान हो गया या कोई और एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट देखो बेसिकली क्या होते हैं कि एक और एग्जांपल दिया हुआ प्लांट का, नेटल लीव्स होती है वो बेसिकली, वो भी क्या होती है, बहुत ही तीखी होती है, इन द केस कांटे की तरह होती है। अगर आप उसको टच करोगे तो आपको पेन, इरिटेशन या वो सेम सिम्टम्स दिखाई देंगे जो अपन को हनी बी काटने के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेटल के लीव्स के स्पाइंस के अंदर एसिड पाया जाता है, वो एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। और वो भी एसिड कौन सा है, मिथेनोइक एसिड है। तो हनी बी हमारे बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है, सेम तरीके से नेटल लीव्स इन द केस अगर अपन टच करते हैं तो मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है पेन और इरिटेशन के लिए। अब देखो एक और अपन के बुक के अंदर पॉइंट दी हुई है कि जहां पर नेटल प्लांट ग्रो करता है वहीं पर एक और प्लांट ग्रो करता है जो डॉग प्लांट। इन द केस अगर आपको नेटल प्लांट के कारण बेसिकली इरिटेशन या पेन हो गई क्योंकि आपने गलती से उनके कारण स्पाइंस को टच कर लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आप डॉग प्लांट के लीव्स को वहीं पर रब कीजिए। रीजन क्या होता है, क्योंकि डॉग प्लांट के लीव्स बेसिक नेचर के होते हैं और एसिडिटी एसिड को कौन यूटिलाइज करता है, बेस यूटिलाइज करता है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, आगे अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है, और एक और टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट अपन का टॉपिक है कि कुछ एसिड्स, कुछ अपन को एग्जांपल दिए हुए हैं सब्सटेंस के जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं और उनके अंदर कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ये वाले देखो जो ये टेबल बनी हुई है ये आपको लर्न करनी है, क्योंकि हमारे इस बार देखो आपको पता ही है कि बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे विनेगर, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेम तरीके से ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सोर मिल्क जिसे अपन क्या कहते हैं, कर्ड जिसे अपन हिंदी के अंदर दही कहते हैं, उसके अंदर जनरली क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो अपन का सोर मिल्क या कर्ड के अंदर एसिड होता है, मगर अपन का मिल्क बेसिक नेचर का होता है। यही रीजन होता है कि कभी भी किसी अपन को, हम कहते हैं कि इन द केस अगर किसी के ऊपर भी एसिड गिरता है बॉडी के ऊपर, तो आसपास के अंदर जितना भी दूध है तो वो उसकी बॉडी के ऊपर डाल दो। रीजन क्या होता है कि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस न्यूट्रलाइज करता है। और जो मिल्क होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जब वो मिल्क एसिड हो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी नेचर भी कैसी हो जाती है, बेसिक से एसिडिक नेचर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और कौन सा एसिड पाया जाता है हमारे कर्ड के अंदर या सोर मिल्क के अंदर, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। देखो एंट स्टिंग मतलब किसी भी इंसेक्ट अगर अपन को काटती है तो उसके अंदर हनी बी और नेटल लीव्स तीनों के अंदर एक ही एसिड पाया जाता है। इनके देखो दो नेम है, एक तो बेसिकली आईयूपीएसी नेम है, स्टैंडर्ड नेम है, जिसका नाम क्या, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। एक कॉमन नेम है जिसका नाम क्या, फॉर्मिक एसिड।
तो तीनों के अंदर मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हमारे बुक के अंदर देखो ऐसा लिखा हुआ है कि एंट स्टिंग के अंदर मीथेनोइक एसिड है, हनी बी के अंदर फॉर्मिक एसिड है, नेटल के लीव्स के अंदर मीथेनोइक एसिड पाया जाता है। जनरली तीनों क्या है, एक ही है। अगर अपन मीथेनोइक एसिड के या फॉर्मिक एसिड के, ये एक ही बात होगी। मीथेनोइक एसिड IUPC या इट्स स्टैंडर्ड नेम है, और कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कभी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द हनी बी, आपको ऑप्शन में दिए मीथेनोइक एसिड, एक दे दिए एसेटिक एसिड, दूसरा दे फॉर्मिक एसिड, और ऑप्शन डी में दे बोथ ए एंड सी, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बोथ ए एंड सी, क्योंकि मीथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही बात होती है। अब देखिए जो सोल्ट होते हैं कैसे बनते हैं, हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, सोल्ट होते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब उस कंडीशन के अंदर सोल्ट बनते हैं। तो अभी देखो सोल्ट की नेचर क्या होगी, हमने ये पीछे तो अपन ने ये पढ़ा कि सोल्ट जनरली बेसिक नेचर के हैं। क्या सोल्ट न्यूट्रल होते हैं, और क्या सोल्ट बेसिक या एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से एसिड कौन से बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें। इन द केस अगर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर सोल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट जिसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। दूसरी देखो इसकी कंडीशन क्या आती है, अगर वीक एसिड और वीक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर भी न्यूट्रल सोल्ट बनेगा, पीएच कितनी होगी, 7 होगी। अब देखो दो और बीच वाली कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस अगर अपन का एसिड स्ट्रॉन्ग नेचर का हो और बेस वीक नेचर का हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो अपन का सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, जिसकी पीएच लेस देन 7 होगी। एक कंडीशन है अगर अपन का वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस कंडीशन के अंदर अपन का जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है, अगर अपन एसिड और बेस की पावर स्ट्रेंथ सेम ले लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर न्यूट्रल सोल्ट बनेगा, अगर अपन एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा लेते हैं तो एसिडिक सोल्ट बनेगा, अगर बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा लेते हैं तो बेसिक सोल्ट बनेगा। तो ये भी चीज आप लर्न रख लेना। देखो ये दोनों टॉपिक्स MCQs या ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनमें से, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो अपन चैप्टर के लास्ट हेडिंग के अंदर एंटर हो गए, मतलब हेडिंग तो दो तीन आगे भी अपन की वीडियोस तो बनेंगे, मगर ये एक ही हेडिंग्स के अंदर आता है। अपन को कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है जो अपन के डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं। देखो कुछ है कॉमन सॉल्ट्स के बारे में बताया, सबसे पहले अपन की फर्स्ट हेडिंग है कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं, ऐसा सॉल्ट जो कॉमन होता है जो हर जगह पाया जाता है। कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, हर किसी के आसपास या किसी के घर के अंदर, जो अपन यूज करते हैं फूड के अंदर, जो व्हाइट कलर का आता है, तो इस वाले सॉल्ट को अपन क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, जो अपन जनरली यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। कैसे बनता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली सोडियम के पास प्लस चार्ज होती है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, तो प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर NaCl बनाते हैं, H और OH एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। जैसे अगर अपन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन लिखे तो इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, तो H प्लस और OH माइनस दोनों कंबाइन होकर वाटर बना देंगे। सेम तरीके से Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। अब यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण जो सॉल्ट बनता है उसकी नेचर कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। तो ये रीजन होता है कि अपन के कॉमन सॉल्ट की नेचर कैसी होगी, न्यूट्रल नेचर होगी। यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसके अलावा बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर अलग अलग सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, जैसे बेकिंग सोडा जो अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसको बनाने के लिए अपन को NaCl की नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है। और देखो ज़्यादातर जो सॉल्ट होता है अपन इस वाले प्रोसीजर से बनाते नहीं, क्योंकि सॉल्ट हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, तो अपन को बनाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे पाया जाता है, आप सब नॉन ही हो क्या, सी वाटर के अंदर ज़्यादातर अमाउंट के अंदर सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कॉमन सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, सी वाटर से ऑब्टेंड किया जाता है। कुछ देखो सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जैसे ब्राउन कलर के वगैरह, जैसे अपन कहते हैं काला नमक को वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं वाइट सॉल्ट के अलावा, वो सॉल्ट उन सॉल्ट्स को अपन क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट्स कहते हैं। क्योंकि वो सॉल्ट्स जब अपन को मिलते हैं, वो एक तो है कि अपन को अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, अपन को किसी समंदर से मिलते नहीं, तो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे अपन को पत्थर मिल गए, तो पत्थर को अपन क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। और उनकी नेचर कैसे होती है, सॉल्ट नेचर होती है, तो इस हिसाब से अपन उन्हें
रॉक सॉल्ट कहते हैं। देखो जनरली वो ब्राउन कलर्ड के होते हैं, लेयर की फॉर्म के अंदर मिलते हैं रॉक्स की जगह, मतलब रॉक जैसे दिखते हैं अपन को, और जहाँ पर भी मिलते हैं इस अपन को इस तरीके से वहाँ पर माइनिंग करनी पड़ती है, जैसे अपन कोयले की माइनिंग करते हैं, जैसे अपन कहते हैं कोयले की खाने होती है, सेम तरीके से हमारे पास सोल्ट की भी क्या होती है, खाने होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाई जाती है। तो इस वजह से अपन ने लिखा है लार्ज क्रिस्टल ऑफ ब्राउन कलर्ड सोल्ट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट नोन एज रॉक सोल्ट। ऐसे सोल्ट जो अपन को अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं जो ब्राउन कलर्ड के दिखाई देते हैं, तो उन सोल्ट को अपन क्या कहेंगे, रॉक सोल्ट कहेंगे। रॉक सोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जनरली कैसे दिखाई देते हैं अपन को, पत्थर की तरह दिखाई देते हैं, और पत्थर का भी कलर कैसा होता है, जस्ट ब्राउन कलर होता है। उसके अलावा इनका देखो ब्राउन कलर क्यों होता है, इनके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है जिसके कारण उनका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर दिखाई देता है। अब रीजन ये आता है कि अर्थ के अंदर ये सोल्ट आए तो आए कहाँ से, क्योंकि अपन को सोल्ट तो समंदर से मिलते हैं, तो ये सोल्ट कहाँ से आया। तो देखो ये बेसिकली यहाँ पे अपन को एक हिंट देता है, इसके यहाँ पे आंसर देता है कि अपन की पूरी अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पूरी की पूरी समंदर से क्या होगी, कवर होगी। तो वही बेसिकली समंदर क्या हो गया, सूख गया होगा, जिसके कारण जैसे समंदर का पानी सूखता है तो वहां पे क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। तो जो समंदर पहले के टाइम था उस वाले समंदर को क्या कहते हैं, सी ऑफ बायोगेन एज कहते हैं। तो ये सी ऑफ बायोगेन एज मतलब पहले के टाइम का समंदर था, उसका नाम रखा गया है। वो समंदर तो पहले पूरे अर्थ को कवर करके रखा था, तो जैसे वाटर की अमाउंट कम हो गई, कुछ बेसिकली वाटर अपन के पोल्स के अंदर इकट्ठा होकर बर्फ बना दी, कुछ वाटर कहीं और पर क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसके कारण हमारी क्या होगी, अर्थ के अंदर वाटर की अमाउंट कम होने के कारण हमारा समंदर क्या हो गया, सूख गया। तो जैसे समंदर सूखेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। मगर वही बेसिकली किसी ने, इंसान तो थे नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स को, तो यूज़ किए नहीं, तो वही इम्प्योरिटीज के साथ मिल्क होकर रॉक्स की फॉर्म के अंदर चेंज हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, रॉक सोल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये रॉक सोल्ट कहाँ से आया, तो अपन को आंसर क्या लिखना है, ये वाली पॉइंट लिखना है, रॉक सोल्ट फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बायोगेन एज ड्राइड अप। जो पहले वाले समंदर थे जब वो पूरे सूख गए, तो वो बेसिकली सूखने के बाद में सोल्ट तो वैसे ही बनता है, उन वही सोल्ट बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, रॉक सोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अपन नेक्स्ट अपन की एडिंग है, दूसरा एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो इसका एक डायग्राम भी बनाना है, उसकी यूजेस भी लिखने हैं, और किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेंड होता है सोडियम क्लोराइड से, तो वो अपन पढ़ेंगे। एक चीज आप याद रखना कि कॉमन सोल्ट तो अपन कॉमनली कहते हैं, और जनरली इसका IUPAC नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो अपन सोल्ट यूज करते हैं घर के अंदर व्हाइट कलर का है, तो इसका IUPAC नेम या केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और कॉमनली अपन क्या कहते हैं, कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे अर्थ के अंदर अवेलेबल है, हर किसी के घर के अंदर मिल जाएगा, तो जो चीजें हर जगह अवेलेबल होती है उसे अपन कॉमन कहते हैं, नेचर इसकी सोल्ट है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, कॉमन सोल्ट। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल कंटिन्यू अवर दैट टॉपिक इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।